ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और अब हम बात कर रहे हैं 27वें दिन के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हम अपना सारा फोकस अपने ऊपर रखें और औरों के ऊपर ना रखें, जिससे कि हम अपनी बैटरी आत्मा रूपी मूड की बैटरी एनर्जी की बैटरी को भी ड्रेन करते हैं और साथ ही साथ हम अपना समय भी वेस्ट करते हैं और पॉजिटिविटी भी गंवाते हैं, मतलब कि सकारात्मक सोच की भी ऊर्जा को खत्म करते हैं। तो देखें बाबा कहते क्या हैं हेडिंग में, परमपिता परमात्मा कहते हैं, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भवा। सारा हमारा समय पूरे दिन भर में क्या होता है, औरों को जज करना, औरों के ऊपर रिमार्क्स देना, और उन्हें क्या गलत किया, क्या नहीं किया, क्या सही किया, बस उसी के ऊपर टिप्पणी करना। परमात्मा कहते हैं वो टिप्पणी करना बंद करो। देखें इसका नुकसान और फायदा क्या है। बाबा कहते हैं कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। चलते चलते मतलब जब हम आध्यात्म में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी के इस रिलीजन में आते हैं हम, जहाँ कि हम क्या रिलीजन धारण करते हैं कि हमें केवल अपने आप को चेंज करना है, औरों को नहीं चेंज करना। एक भी एक रिलीजन हो गया, ये भी एक धर्म की पालना हुई, ये भी एक धारणा हुई। तो कभी हम भूल जाते हैं उस धारणा को, धारणा धर्म से आती है। तो हमारा धर्म क्या सिखाता है हमें कि हमें औरों की टिप्पणियां नहीं करनी है, औरों को रिमार्क्स नहीं पास करने हैं, हमें अपने आप को चेक करना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं, कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे, स्व के लिए क्या कहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, जो मैंने सोचा वो बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं वही राइट है, तुम्हें चेंज करना है अपने आप को, तुम में ये गलती है, तुम्हें बदलना है, तुम ऐसे क्यों सोचते हो, तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो। हम रिमार्क्स पास करना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं वह दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो। परमात्मा कहते हैं जब तुम औरों का रिमार्क्स देते हो तो तुम्हारा मन मैला होता है, प्योरिटी कम होती है, पॉजिटिविटी का लेवल कम होता है, बिकॉज तुम नेगेटिविटी देख रहे हो औरों के अंदर, और वो संकल्प किसके बन जाते हैं, स्व के संकल्प बन जाते हैं, है किसी और की नेगेटिविटी, लेकिन थॉट्स किसके मन में चले, अपने मन में। तो मन किसका मैला हुआ, अपना, तो उससे प्योरिटी खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी की लेवल गिरना शुरू करता है। फिर बाबा कहते हैं स्वचिंतक, अपनी चिंता करो, अपना सोचो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। पहले अपने आप को चेक करें, अपने अंदर जो खामियां कमजोरियां हैं, अपने जो संस्कार हैं, हैबिट्स हैं, सोच है, बोल है, कर्म जो अपवित्र बने, उनको चेक करें, चेंज करें, और औरों की फिक्र छोड़ दें, वो परमात्मा ने ली हुई फिक्र, हमें अपने आप को चेंज करना है। खुद को चेंज करेंगे, घर चेंज होगा, फैमिली मेंबर्स चेंज होंगे, और सिटी चेंज होगी, समाज चेंज होगा, और देश चेंज होगा। तो ये कैसे करना है, इसका और गहराई में समझने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर के और गहराई के ये सोच को सीखना पड़ेगा। इसी के साथ आज के ईश्वर वरदान, ओम शांति।